सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम जहाँ पर आए हैं इसको हम मिनी शेल्टर भी बोलते हैं, मतलब एक छोटी शिरडी। आपको अंदर मैं लेके चलता हूँ, आपको करवाता हूँ। यहाँ पर हूबहू साईं बाबा जी के दरबार की तरह, शिरडी की तरह द्वारिका माई बाबा जी की मंदिर प्रॉपर बनाया गया। आपको अंदर लेके चलता हूँ, करवाता हूँ आपको मिनी शिरडी के दर्शन। आपको सारी इन्फॉर्मेशन आके देता हूँ वीडियो में। तो चलो, यहाँ से होती है मंदिर की एंट्री। यहाँ से आप फूलों की परचेज़ कर सकते हैं, जो 100 रुपये की ये बड़ी माला साईं बाबा जी को पड़ती है। और वहीं बात की जाए, यहाँ पर प्रॉपर कैंटीन की सुविधा, और उधर देख सकते हो आप साईं प्रसादालय, जहाँ पर साईं बाबा जी का भोग आपको मिलता है खाने के लिए। और वो जो आपको दिख रही है वो बाबा की धुनी, और पीछे साईं समाधि मंदिर। आपको लेके चलता हूँ अंदर। ओम साई राम। और वहीं बात की जाए, यहाँ पर जोड़ा घर की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ पर आप अपने जूते जमा करवाकर टोकन लेके ये साईं धाम जो अंदर एंट्री कर सकते हो। अभी चलते हैं अंदर साईं धाम में। यहाँ पर बार्गेनिंग हो रही है फूलों की। मासी कौन सा फूल लिया? फूल लिया कितने का? 20 रुपये का। चलते फिर अंदर दरबार। आप यहाँ पर साफ सफाई देख सकते हो, कितनी साफ सफाई है यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मंदिर की तरफ से मास्क दिए जा रहे हैं और प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा है, और टेम्परेचर चेक हो रहा है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर अभी श्री साईं धाम पे एंट्री हो रही है। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत मंदिर को बनाया गया। और इधर बात की जाए बाबा की द्वारिका माई, अगर पॉसिबल हुआ तो आपको अंदर लेके जाकर बाबा की द्वारिका माई के दर्शन करवाता हूँ। बात की जाए, यहाँ पर बाबा की विभूति मिलती है, और यहाँ पर साईं धाम संग्रहालय, जहाँ से आप बाबा की प्रतिमा, बाबा के चोले परचेज कर सकते हो। देख सकते हो हूबहू श्री साईं बाबा जी का मंदिर, इतना खूबसूरत बनाया गया बाबा का मंदिर, प्रॉपर हूबहू शिरडी की तरह। आगे चलते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। ओम सकते हैं श्री साईं बाबा जी का दीदार कीजिए, बाबा के चरणों के दर्शन। और बाबा विराजमान है वहाँ पर, देख सकते हो आप। और वहीं पर बात की जाए, यहाँ से बाबा का प्रसाद मिलता है। ये जो पंडित जी बैठे हैं, मुझे बाबा का प्रसाद मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये श्री साईं बाबा जी का प्रसाद मुझे मिला है। यहाँ पे प्रॉपर लिखा है साईं धाम साईं नगर हावड़ा रोड लुधियाना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये मंदिर की प्रॉपर लोकेशन बताऊँगा, कहाँ पर मंदिर है ये, लुधियाना से और जलंधर से कितना दूर है। और वो देख सकते हैं मम्मा अभी पंडित जी से टिक्का लगवा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं।
बाबा की बैक साइड आते हैं, यहाँ पर बाबा की पीठ के दर्शन, यहाँ से बाबा की पीठ के दर्शन किए जाते हैं। फिर जैसे ही दरबार से बाहर आते हैं, यहाँ पर बाबा का नीम का पेड़, हूबहू शिरडी की तरह नीम का पेड़ बाबा का बनाया गया। नीचे मास्टर जी खड़े हैं, हेलो। बाबा का नीम का पेड़ हूबहू शिरडी की तरह ही बनाया गया यहाँ पर, दूर नहीं है। और वहीं बात की जाए, ये बाबा जी के मुख के दर्शन यहाँ से आप कर सकते हो। आपने देखा कितना ही खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। ये जो ये मंदिर है, ये हमरदा रोड है लुधियाना पे, वहाँ पर ये मंदिर बनाया गया श्री साईं बाबा जी का। आपको मैं आगे सारी डिस्क्रिप्शन बता दूंगा, मंदिर कहाँ पर है, जलंधर से कितना दूर है मंदिर, लुधियाना से कितना दूर है। आप सारा मेरे से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेके आप पूछ सकते हैं इस मंदिर के बारे में। अब आपको मैं दिखाता हूँ बाबा की द्वारिका माई। देखिए आप द्वारिका माई जो लेफ्ट साइड बाबा की बनाई गई है, चलते हैं अंदर बाबा की द्वारिका माई पे। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत ग्राउंड बनाया गया बाबा का। ये है श्री साईं द्वारिका माई, हूबहू शिरडी की तरह ही बनाई गई है, जैसे शिरडी में ऐसे एंट्रेंस होती है। और आप देख सकते हो वहां पर सामने एलईडी में शिरडी से लाइव बाबा का आ रहा है। लेके चलते हैं आपको श्री साईं द्वारिका माई में। और आप देख सकते हो यहाँ पर बाबा का जो, जहाँ पर बाबा विराजमान होते थे, वो वहाँ पर हूबहू शिरडी की तरह बनाया गया, जो प्रॉपर आप मूर्ति में भी देख सकते हो बाबा की। जिस पत्थर पर बाबा बैठे हैं, वो पत्थर नीचे ये वहीं बात की जाए, ये आप देख सकते हो। वही बात की जाए, वो आपको सामने पता ही होगा जहाँ पर बाबा अपना रूप दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए आप बाबा की धुनी, आपको आगे दिखाता हूँ, वो आपको दिख रही होगी बाबा के अंदर धुनी चल रही है। वहीं सेम शिरडी की तरह बाबा की चक्की, बाबा की बोरी, और ये बाबा का मंदिर, ओम साई राम। तो दोस्तों आपने देखा श्री साईं धाम कितना ही खूबसूरत, बहुत आनंद मिला यहाँ पर आकर। हूबहू शिरडी की तरह ही ये दरबार बनाया गया। ये पीछे मेरे श्री साईं द्वारिका माई। अभी हम दरबार में जस्ट माथे टेक रहे थे, तो हमें इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि श्री साईं बाबा जी की आरती देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आपको भी श्री साईं बाबा जी की आरती का दर्शन करवाता हूँ। ओम साई राम। छोटा सा श्री साईं धाम का व्लॉग। उम्मीद है आपने श्री साईं बाबा जी के दर्शन किए होंगे हूबहू शिरडी की तरह ही। तो अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो श्री साईं धाम के बारे में, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, कमेंट में पूछ भी सकते हो, मैं बेझिझक आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा।
तो फिर व्लॉग को करते यहीं पे समाप्त। बोल साईनाथ महाराज की जय।